नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। मौसम की बात करें तो आज 11 तारीख हो गई है। 11 तारीख में जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही जो कुमाऊं क्षेत्र के जनपद हैं जैसे नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर, वहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे बागेश्वर है, वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड में वर्षा में काफ़ी वृद्धि की संभावना है। तो इसमें 12 13 में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी। साथ ही देखेंगे कि जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या फिर बागेश्वर जनपद है और पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद, वहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इन जनपदों के लिए जो है रेड वार्निंग दी गई है 12 और 13 तारीख को। ऐसे ही जो है हमारे आंतरिक जनपद है जैसे पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को, जिसके लिए वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद 14 तारीख को जो है वर्षण में थोड़ी कमी की संभावना है, लेकिन जो कुमाऊं क्षेत्र है या लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से जैसे नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, वहाँ पर भारी वर्षा 14 तारीख को भी मिलने की संभावना है। तो अभी देखेंगे कि जो मेन एक्टिविटी ये 12 और 13 तारीख तक जो 13 तारीख को मिलने की संभावना है, तो इसमें ये सलाह दी जाती है कि जो लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं या नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उन्हें काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है और आदमी को भी जो है सतर्क रहें, क्योंकि जो है ताकि जो है अगर कुछ ऐसी अंडरवर्ल्ड घटना होती है तो उससे बच सकें। साथ ही जो ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ों में, चाहे पिलग्रिम्स हैं, कम्यूटर्स हैं या टूरिस्ट हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो जो है यात्रा अगर बहुत ज़्यादा जरूरी तभी करें, अन्यथा यात्रा करने से बचें जो है पहाड़ों पर इन दो दिनों में खास करके, क्योंकि जो है रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी जो है बढ़ने